प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन पुनः आपके सामने हूं इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र एक के बारे में, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको पता होगा कछुए और खरगोश की कहानी। अति आत्मविश्वास ने खरगोश को पराजित कर दिया और कछुआ विजयी हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसे बहुत हल्के में लेते हो और ऐसा सोच कर चल रहे हो कि यह तो मैं कर ही लूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न अगर थोड़े से ट्विस्ट करके दे दिए जाए तो उसमें क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करके रखना है। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि यह प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी विषय से संबंधित है और हिंदी और अंग्रेजी की अहमियत बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भारतवर्ष में रहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी ही संपर्क भाषा है, जिससे कि आप अपने हर क्रियाकलाप को संपादित करते हैं। यह किसी भी दो राज्यों के बीच में या लोगों के बीच में जुड़ने का एक माध्यम है, जिसके थ्रू आप पूरे देश में अपना संपर्क बनाते हैं। साथ ही साथ अगर अंग्रेजी का आपको प्रॉपर ज्ञान है तो आप देश या विदेश में भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और वहां पर भी अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। अभी जैसा कि आपको पता है, झारखंड सरकार ने भी पारदेशीय छात्रवृत्ति की घोषणा की है। मरांगोम के जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति, इसमें छात्रों को विदेशों में पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन अब आप ध्यान से सोचें कि अगर आपके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं है तो क्या आप सोच सकते हैं कि वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें? तो इसके लिए आपको तो हिंदी और अंग्रेजी का सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए स्पर्धा प्रकाशन ने सोचा कि क्यों नहीं आपके पास एक ऐसी किताब के साथ हम जाएं जो कि आपकी तैयारी को पूरी तरह से आसान कर दे और साथ ही साथ एक आपका अंग्रेजी और हिंदी का बेस तैयार कर दे, ताकि आपको भविष्य में भी अपने कोई भी क्रियाकलाप संपादित करने में असुविधा नहीं हो। इस उद्देश्य को रखते हुए ही हम लोगों ने एक किताब की तैयारी की है। एक जादुई बुक, मैं तो बल्कि कहूंगा एक जादुई बुक हमने बनाई है। वह इतनी अच्छी है कि जो भी छात्र एक बार इसको पढ़ता है, लेता है, वह जरूर एक बार फोन करता है कि सर, एक ऐसी ही पुस्तक की हमें जरूरत थी जो कि आपने हमें प्रोवाइड की है। तो उस किताब को मैं चाहूंगा कि आप देखें। यह किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा को अपने में समाहित किए हुई है। और यह पुस्तक क्यों आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपसे थोड़ी बात करूं। तो सबसे पहला जो 4-5 पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस पुस्तक को हमारे प्रकाशन की प्रकाशक अर्थात ओनर श्रीमती प्रियंका वर्मा जी ने तैयार किया है, काफी श्रम लगाकर और काफी दिनों के मेहनत से। तो यह पुस्तक जितने भी अब तक के कंपटीशन हुए थे, उन सबों का प्रॉपर अध्ययन करने के बाद जो जो इसमें इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो सकते थे उसको डाला गया। साथ ही साथ इसका ख्याल रखा गया कि हिंदी भाषी छात्र कैसे आसानी से अंग्रेजी सीख सकें और अंग्रेजी भाषा में अधिक से अधिक अंक पा सकें। मैं बताऊंगा इस बुक के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं ये भी अगला पॉइंट बता देना चाहूंगा कि यह इंग्लिश की कम जानकारी वाले अभ्यर्थियों के लिए एकदम परफेक्ट बुक है। यह हिंदी भाषी या स्थानीय भाषी के छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, के छात्रों के लिए जैसे बैंकिंग या अन्य परीक्षा, उसके लिए भी ये अंग्रेजी भाषा की तैयारी करा देती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह स्कूल के बच्चों के लिए भी, अगर आपके घर में स्कूल में जाने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी एक काफी अच्छी पुस्तक है जो कि अंग्रेजी का धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाती है और उनको अपने परीक्षा के लिए तैयार कराती है। तो इस प्रकार से आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए यह पुस्तक काफी उपयोगी है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि यह पुस्तक काफी रोचक है। आपको इसको पढ़ने में थोड़ा भी श्रम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी भी बोरियत नहीं होगी। तो यह ही एक इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह पुस्तक आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी कि आप और अधिक इसमें जाए और अधिक से अधिक इसको जानना यकीन है। और मेरा यदि आप इस पुस्तक का एक बार ढंग से अध्ययन कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक को पढ़ने के पूर्व वाले व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको अतिशयोक्ति लगती हो, लेकिन एक बार अगर आप इस पुस्तक को देखें तो आप महसूस करेंगे कि क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि अब इस पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं कि इसमें आखिर है क्या। तो ये पुस्तक का इंडेक्स पेज मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं सामने में अंग्रेजी विषय का इंडेक्स है, और मैं चाहूंगा कि इसको शॉर्ट में आपको पढ़ दूं ताकि आप जान सकें कि इसमें क्या है। तो इसका पहला सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट अवयव है, जो कि आपको मालूम है कि इस परीक्षा में 30-30 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 30-30 प्रश्न ग्रामर के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके होंगे, और इसी को ख्याल में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहला जो चैप्टर बनाया है वह है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। और अगर इसके कंटेंट की मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन आप देखकर फर्स्ट ही चैप्टर में आप देखेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वह किस प्रकार दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद से इसमें साथ साथ अंग्रेजी का और हिंदी का साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, एक कॉलम इंग्लिश और एक कॉलम हिंदी। और कोशिश यह की गई है कि वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन हो, अंग्रेजी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो। इससे फायदा यह होता है कि यदि आप अंग्रेजी का कम ही ज्ञान रखते हैं, कम जानकारी रखते हैं, इसके बावजूद आप अंग्रेजी को एक बार कॉम्प्रिहेंशन को आप अध्ययन कर ले, इसी के अंत में आपको इसका ग्लॉसरी अर्थात जो कठिन शब्द है उनका भी समायोजन उनको भी यहां पर रख दिया गया है, ताकि उन कठिन शब्दों को पहले आप जान ले समझ ले, और तब उसके बाद से एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े। इसके बाद भी अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप हिंदी वाला पैसेज पढ़ें, उससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तब इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको करने में आपको थोड़ी भी असुविधा नहीं होगी। यहां पर आप हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के पैसेजेस का भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक ही साथ आपका हिंदी और अंग्रेजी पैसेजेस का काम हो जाता है। तो यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोज पैसेजेस, कभी कभी पैसेजेस में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहता है, जहां कि आपको 8-10 वर्ड नीचे में 4-4 वर्ड दिए होते हैं, उसमें से चूज करके जो परफेक्ट वर्ड होता है वो उसमें देना होता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इसमें पैसेजेस दे रखे हैं। तब आता है ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में जो कॉमन है वो भी आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहां दिया हुआ है, अर्थात केवल इंग्लिश में नहीं उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दिया हुआ है, ताकि अगर इंग्लिश आप नहीं समझ पा रहे हो तो हिंदी में भी उसको समझ के उसका मीनिंग आप जान सके। तो उसमें है नाउन, नाउन एंड केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि इतना में आपका जो भी इंग्लिश का पोर्शन है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग सभी कवर हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, तो हिंदी भाषा व्याकरण तथा अपठित गद्यांश ये सेक्शन है। इसमें हिंदी से संबंधित जो भी तथ्य, अगर आप स्कूल में अगर नहीं भी ढंग से पढ़ पाए हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। वह है हिंदी भाषा, हिंदी की ध्वनियां, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव, काल, लिंग, वचन, कारक, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों में अर्थभेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्य भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद एवं अलंकार, वाक्य क्रम विस्थापन, अपठित गद्यांश, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यह कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको मॉडल सेट के रूप में 10 मॉडल सेट इसमें रखे गए हैं, ताकि आप जान सकें कि आपने जो पढ़ा उसके कितना हद तक आपने रिटेन कर रखा है और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं मॉडल सेट्स के बारे में होंगे कि जो इसके चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके एक एक पेज को हमने दिखाने की कोशिश की है इस तरह से। तो जो पेजेस हैं वह आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है और आपको इस एग्जाम की तैयारी कराने में पूर्णतः सक्षम है।
तो छात्रों, मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह हमारे स्पर्धा प्रकाशन की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पुस्तकों में से एक है। निश्चित रूप से इसमें दम तो है, और अगर आपको समय बचाना है तो इसमें भी यह काफी मदद करती है। तो इस पुस्तक की अहमियत आप समझ सकते हैं, और निश्चित रूप से इसको आपको घर में रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद ये दोनों ही समय आपको काम में आने वाली है। हमेशा ये अपनी उपयोगिता बरकरार रखेगी, इसलिए प्रत्येक घर में यह पुस्तक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाषा की को सही ढंग से दिशा दिखाने वाली यह पुस्तक अपने आप में काफी सराहनीय है और बहुत अच्छी है। ये पुस्तक के संबंध में लास्ट डे हमने अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में दिखाया था आपको, और बताया था कि हमारे जो 5 सेक्शन में क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक नंबर 1 वॉल्यूम 1 जो जीके से संबंधित है, वॉल्यूम 2 विज्ञान से संबंधित है, वॉल्यूम 3 गणित से संबंधित, वॉल्यूम 4 रीजनिंग मानसिक क्षमता, और वॉल्यूम 5 झारखंड राज्य विशेष। काफी लड़कों ने उसको अप्रिसिएट किया, और अंग्रेजी के छात्रों का बार बार यह डिमांड आया है उनके कमेंट बॉक्स में कि सर इसको जितना जल्दी हो सके आप लाइए। तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि रीजनिंग और झारखंड राज्य विशेष की पुस्तक लगभग प्रोसेस में पूरी हो चुकी है, और शायद वो 3-4-5 दिनों के अंदर में आपके पास या मार्केट तक पहुंच जाए। मैंने आपको उस वीडियो में यह भी बताया था कि हमने आपके लिए एक शनिवार को वीकली न्यूज शुरुआत की है, जो न्यूज़पेपर के में पब्लिश जो परीक्षोपयोगी सामग्री होते हैं उनका हम आपको देते हैं स्क्रीन पर, और उससे संबंधित प्रश्न देते हैं। बहुत सारे छात्रों ने इसको अप्रिसिएट किया है, और मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज को जरूर देखें और उसको उससे अधिकाधिक फायदा लें। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि उसका PDF नेक्स्ट डे अर्थात रविवार को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, और मुझे खुशी है कि आपने इसे काफ़ी स्वीकारा है, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप काफ़ी अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से आपका यह जुड़ाव हमें और अधिक प्रेरित कर रहा है कि हम आपके लिए बहुत बेहतर करें और अच्छी अच्छी पुस्तकों का निर्माण आपके लिए कर सकें। कुछ छात्रों का यह कमेंट आया कि सर आप पुस्तकों में यह भी डालें कि जो क्वेश्चन बैंक आप लाए हैं उसको चैप्टर वाइज जो हमारे JSSC ने सिलेबस दे रखा है उसके चैप्टर वाइज आप उसको डिवाइड करें, तो उससे हमें और सुविधा होगी कि उस चैप्टर से के कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो पूछे गए हैं उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन बैंक को उस फॉर्मेट में भी लाएं, लेकिन इतना तय है कि ये सारी पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं तो JSSC के साथ साथ आपकी JPSC की भी तैयारी भी साथ साथ चलते रहती है, तो आप इन सारे पुस्तकों से फायदा लें और भी अपने मित्रों को कहें और बताएं कि स्पर्धा प्रकाशन के चैनलों से जुड़कर वह इससे फायदा लें जो हम आपके हित में निरंतर लाने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी लाते रहेंगे। पुनः एक बार आपसे अनुरोध होगा कि जो भी छात्र अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्पर्धा प्रकाशन के चैनल को, वो जरूर सब्सक्राइब करें और इससे जुड़कर फायदा लें और हमें भी उत्साहित करें। धन्यवाद, नमस्कार।